हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोन फैक्ट। गाइस, आज का जो टॉपिक है आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। आज के इस टॉपिक में हम आपको पफ बनाना सिखाएंगे बेसिक टू एडवांस। गाइस, इसमें हम आपको जो हम ओपन हेयर स्टाइलिंग में पफ बनाते हैं वो वाला भी सिखाएंगे और बेसिक पफ भी सिखाएंगे। जो लोग बिगिनर्स है, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करी थी कि हमें पफ बनाना सिखाइए, और इसमें हम लाइनिंग वाला जो एडवांस पफ जो चलते हैं जिसमें हम पुलिंग क्रिएट करते हैं वो वाला पफ भी सिखाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हमने ईयर टू ईयर सेक्शन कर लिए है, देन हम जो इनके पफ का जो सेक्शन निकालते हैं, जो मैं हर अपनी एक वीडियो में सिखाता हूँ आपको कि आपको पफ का सेक्शन कैसे निकालना है। तो देखिए, जो पीछे बैक साइड से हल्का सा मैं जो है वो राउंड शेप में ले रहा हूँ, और आपको भी इसी तरीके से लेना है। अगर राउंड शेप अगर आप नहीं लेते हो सकता है कि पफ आपका प्रॉपर ना बने, मतलब परफेक्ट शेप ना आए। तो उसके लिए पहले गाइस हम बैक कॉमिंग करेंगे, और बैक कॉमिंग भी गाइस आप इस वीडियो में अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा जितना हो सके उतना अच्छे से आपको दिखाया है। तो मैंने दो सेक्शन में ही पव बनाएंगे हम। नंबर वन है, चार तरीके से हम आपको सिखाएंगे। ये नंबर वन है बैक कॉमिंग। गाइस देखिए कितनी, मतलब ऊपर से करके मैं रूट्स एरिए पर एकदम इकट्ठी कर रहा हूँ, जिससे जो डेंसिटी एकदम अच्छी रहे। देखिए काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग मिली है हमें, और पफ पर स्प्रे भी ज़्यादा बैकोमिंग पे नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा मतलब चिपचिपा हो जाता है। लोग सोचते हैं जितना पफ पे स्प्रे लगाएंगे बैकोमिंग पर उतनी ज़्यादा होल्डिंग मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, लिमिट में लगाए आप। और दूसरी साइड भी ऐसे बैकोमिंग कर रहे हैं बिल्कुल लाइटली, मतलब इतनी हार्ड ही नहीं करनी, और ध्यान इतनी हार्ड भी ना करें कि वो बैकोमिंग आपके पफ के सामने से निकले। देखिए कितना स्मूथली हमने पकड़ा हुआ है पफ को, और हल्के हाथ से इसको स्प्रेडिंग करेंगे। ये देखिए कितने हल्के हाथ से हमने स्प्रेडिंग करी है, जो पफ को एक अच्छे से शेप दी है, और जो हम टेल कॉम की मदद से गाइस इसको नीट एंड क्लीन करेंगे। और कॉम देखिए गाइस, मैं किस तरीके से कॉम अपनी चला रहा हूँ, जहाँ कॉम के दांत है उधर से मैं नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि अगर उधर से चलाओगे तो आपकी बैकोमिंग ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी। देखिए स्लाइटली आपको ऐसे स्प्रेड करना हाथ से, और ध्यान कॉम की मदद से आपको जो बाल स्टैटिक चार्ज, मतलब उड़े उड़े या छोटे ब्रेकेज हेयर है उनको बिठाना है, और टेल कॉम के टेल की जो मदद से टेल है उसकी मदद से ये देखिए इस तरीके से आपको शेप देनी है। कहीं अगर आपका पफ जो है डाउन होता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो जो टेल है उसकी मदद से हम इसको प्रॉपर परफेक्ट शेप दे सकते हैं। तो गाइस ये वाला जो पफ है आप किसी को ओपन हेयर स्टाइलिंग में दे सकते हैं, और बैक साइड पे प्रॉपर आप कर्ल्स कर सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर पिन लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीप लगता है, अच्छा नहीं लगता, अगर सिर्फ दो ही पिन आगे पीछे से दिखे वाकई कर्ल्स हो। ओपन हेयर स्टाइलिंग में ज़्यादातर मैं जो है वो ये वाला पफ मैं आपको देता हूँ। और ऐसी गाइस हम दूसरे पफ की बात करेंगे आगे जाके, तो ये पफ आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। और आप मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कौन सा नंबर का पफ आपको अच्छा लगा। ये सेकेंड नंबर टू, दूसरा तरीका बता रहा हूँ स्टेप टू, इसको मतलब पीछे पिनअप करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। पिनअप भी आपको मैं दो तीन तरीके से आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले गाइस मैं अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लूँगा सेक्शन। और जो कॉम है वो आपको मैंने बताया आपको बिल्कुल स्लाइटली मतलब लिटा कर चलानी है, और टेल कॉम की मदद से टेल से इसको मतलब परफेक्ट शेप देनी है आपको इस तरीके से। और आपको देखिए मेरी जो ग्रीप है वो किस तरीके की ग्रीप है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें मेरी ग्रीप पर आप ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से मैंने पफ को होल्ड करा है। ये देखिए मैं आपको इसमें मैन आपको पफ बनाने के साथ साथ आपके होल्डिंग भी बता रहा हूँ। कितने लोग पफ बना तो लेते हैं गाइस, जब वो होल्डिंग करते हो पिन लगाते हैं ना तो टेढ़ी हो जाती है। देखिए कॉम को मैं इस तरीके से चला रहा हूँ, और स्ट्रेट बिल्कुल टूथ है वहाँ से बिल्कुल नहीं चला रहा, तो पफ के बैक कॉमिंग खुल जाएगी। देखिए होल्डिंग देखिए गाइस, जैसे मैंने हल्के से हाथ को मुट्ठी बनाई है उसको ऊपर की साइड स्लाइड कराया तो वॉल्यूम उतना ज़्यादा मिलेगा, और नीचे करोगे तो वॉल्यूम डाउन मिलेगा। वो मिरर में आपको देख के चेक करना है, क्लाइंट खुद बताएगी आपको कितना रखना है इसकी हाइट। और जो है हम अच्छे से स्प्रे करके नीट एंड क्लीन कर लेंगे। और हाँ मैं गाइस बात कर रहा था, काफ़ी लोग पफ अच्छा बना लेते हैं जब वो पिन लगाते हैं ना, पिनअप करते हैं तो उनके हाथ से ही पफ टेढ़ा हो जाता है और लूज़ हो जाता है, फिर वो परफेक्ट शेप आती ही नहीं है जो वो बनाना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ होल्डिंग देखिए मेरी, जैसे मैं पाम की मदद से मुट्ठी की मदद से मैंने इसको होल्ड कर रखा है। वो पिन आपको गाइस दूर से थोड़ी लेते हुए देखिए, यहाँ से नहीं लगानी आपको पिन हमेशा, अगर आपको पफ पर लगानी है ना, पफ पर अगर आपको पिन लगानी है तो दूर से आपको लेते हुए पफ की तरफ ऐसे लॉक करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो पिन के अंदर हेयर आ जाए।
अगर बॉब पिन के अंदर जितने हेयर होंगे उतनी ज़्यादा आपको होल्डिंग मिलेगी। सुना होगा आपने कम डेंसिटी में पिन नहीं टिकती, वो रीज़न उसका यही होता है कि डेंसिटी कम होती है तो पिन भी आपकी उतनी टाइटली नहीं लग पाती। तो देखिए दो पिन मैंने लगाई है, तीसरी मैं जो है इसको लॉक करूँगा बीच में लगा के। और पफ देखिए गाइस बिल्कुल भी मेरा नहीं हिल रहा, वो परफेक्टली अच्छे से लॉक हो गया है। और जब आपको हल्का फुल्का ऐसा लगता है कि ऊपर नीचे है तो आप टेलकॉम की टेल की मदद से इजीली उसको कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको फ्रंट वेरिएशन भी बता देता हूँ कि किस तरीके से आप फ्रंट वेरिएशन इसको इसमें दे सकते हैं। लाइटली ऐसी फ्री हैंड बताऊँगा, हल्की सी स्प्रेडिंग करके आपको इस तरीके से पिनअप कर सकते हो, और हल्का सा फिंगर की मदद से आप हल्का सा टेक्स्चर दे सकते हैं। तो इस पफ के ऊपर मैंने आपको बताया है, इसका अलग से टॉपिक लाऊंगा फ्रंट वेरिएशन का। अभी हम स्टेप थ्री पर ध्यान देते हैं, फ्रंट वेरिएशन का हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। फ्रंट वेरिएशन अगर आपको सीखने कमेंट करके मुझे गाइस ज़रूर बताना। और तीसरी होल्डिंग पर हम ध्यान देंगे कि गाइस देखिए बैक कॉमिंग करने का सेम तरीका रहेगा, बस आपको मैं इसमें थोड़ी सी होल्डिंग बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको देनी है। ये देखिए गाइस आपको दो फिंगर का यूज़ करना है, जिस हाथ से आपको कंफर्टेबल हो, अगर आप लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड, राइटी हो तो राइट हैंड। तो ये देखिए गाइस मैंने इसको अच्छे से टू फिंगर की मदद से होल्ड कर रखा है, अगर जितनी हाइट चाहिए उतना ऊपर को लो और इतना नीचे लो जितना आपको चाहिए पफ। और दूसरी मतलब दूसरे हाथ से आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम चुटकी भरते हैं ना उस तरीके की हमें ग्रिप बनानी है टू फिंगर की, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से उसको अच्छे से होल्ड कर लेना है, देन आपको बॉब पिन की मदद से इसको लॉक करना है। आपको ये गाइस मैं दूसरी होल्डिंग इसलिए दिखा रहा हूँ हर तरीके की होल्डिंग की, आपको कौन सी कंफर्टेबल हो आप बनाने में वो होल्डिंग आप उसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही होल्डिंग की मदद से ही पफ बनाना है, जैसा आप कंफर्टेबल हो आपका पफ बनना चाहिए परफेक्ट शेप में बस। तो गाइस ये देखिए किस तरीके से मैं पिन लगा रहा हूँ, आप बिल्कुल भी देखिए गाइस पफ बिल्कुल भी नहीं हिल रहा और वो एकदम नीट एंड क्लीन एकदम राउंड शेप में है। तो ये वाला पफ की ट्रिक आपको कैसी लगी और आप कौन सी ग्रिप आपको कंफर्टेबल हो आप जोन सी ग्रिप में, आप मुझे कमेंट करके गाइस जरूर बताना। और हल्का सा हेयर स्प्रे करके नीट एंड क्लीन कर लेंगे। और गाइस ये वाला जो मेरा पर्सनली मैं इसको यूज़ करता हूँ टू फिंगर की ग्रिप वाला, मेरे को ज़्यादा बेस्ट लगता है। और आपके लिए कौन सा बेस्ट है कमेंट करके मुझे गाइस ज़रूर बताना। अब करेंगे गाइस चौथा तरीका क्या है, आपको सबका फेवरेट है और आजकल इनमें भी है बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है पुलिंग। तो गाइस देखिए किस तरीके से मैं पुलिंग खींच रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा दो फिंगर की मदद से सिर्फ हल्का हल्का जो ऊपरी हेयर है ऊपर के जो हेयर है उनको हल्का हल्का पुल कर रहा हूँ। और आप सबको वीडियो में इसी का इंतजार होगा कि आपको पुलिंग वाला पफ कैसे सीखना है। गाइस सच बताओ गाइस जो आपको बेसिक पफ अगर आपका परफेक्ट है ना तो पुलिंग में कुछ नहीं है ऐसा कि आपको सीखने लायक है, बस आपको हल्की हल्की जो है वो पुलिंग खींचनी है। हो सके तो गाइस इसका मैं आपके लिए सेपरेट टॉपिक लाऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो पुलिंग का मैं सेपरेट टॉपिक लाऊंगा और आपको बना के दिखाऊंगा। और अगर आपको हो सके तो आप इसमें भी सीख सकते हैं। देखिए कुछ ज़्यादा कुछ मैंने कोई टेक्निक खास नहीं लगाई है, बस पुलिंग करके आपको मैं सिर्फ स्प्रे करके दिखा रहा हूँ और आपको भी इसी तरीके से करना है। और आपको मैं सेपरेट टॉपिक में इतना इजीली सिखा दूंगा आपकी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। और आपको इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे को सीखने को मिल रहा है। देखिए जो पुलिंग मैंने खींची है गाइस पुल करी है जिस सेक्शन को उधर, देखिए किस तरीके से मैं आप उस पर स्प्रे करके उसको नीट एंड क्लीन कर रहा हूँ। और मेन बात है गाइस मेरी आप होल्डिंग देखिए, पफ की होल्डिंग मैंने देखी किस तरीके से उसको रोक कर पुलिंग को मतलब खींच रहा हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से गाइस करना है, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली बेसिक पफ बनाने में या फिर एडवांस पफ बनाने में। बेसिक की हमेशा ग्रिप वही रहेगी, एडवांस की भी सेम वही है जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। बस इसमें गाइस एडवांस में क्या है, आपने पुलिंग करी है देन आपको उसके बाद जैसा बेसिक में पिनअप कर रहे थे वैसे ही आपको सेम पिनअप करना है। अगर आपका बेसिक पफ गाइस अच्छा हो गया ना तो एडवांस बनाने में इतनी मेहनत आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अगर आपका शुरू में ही पफ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है और आपको पुलिंग खींचनी है लाइन में ज़्यादा ध्यान देना है तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो गाइस मेरा मानना है अगर आप बेसिक से स्टार्ट करो अच्छे से तो ज़्यादा आपका बेनिफिट है। और देखिए पीछे से भी लाइन कितनी अच्छी लग रही है। तो आई होप गाइस आपको अच्छे से वीडियो समझ आ रही होगी। और कमेंट करके गाइस मुझे ज़रूर बताना कि कौन सा पफ और कौन सा स्टेप आपको अच्छा लगा है। मैंने इसमें आपको चार स्टेप बताए हैं, ध्यान इसको अब हम करने वाले लोग। देखिए गाइस दूर से ही मैं पिन लगाना स्टार्ट करूँगा और हल्के हाथ से अंदर की तरफ पुश कर दूंगा। ये देखिए गाइस इसी सेम तरीके से गाइस आपको
दूसरी साइड से पिन लगानी है, वो पिन आपको लगानी है गाइस। और वो पिन की ग्रिप अच्छी से होनी चाहिए आपकी, कोई लोकल वो पिन नहीं होनी चाहिए, एक बार जो खोल दो तो खुली रहती है, ऐसा कोई पिन नहीं होना चाहिए। हेयर स्टाइलिंग में काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये देखिए पफ मेरा हमारा पूरा प्रॉपर लॉक हो गया है सिर्फ दो ही पिन से। हो सके तो आप तीसरी पिन लगा सकते हैं अगर आपको डाउट है तो, मैं तीसरी पिन आपको लगा के दिखा देता हूँ। तीसरी पिन गाइस दोनों पिन के बीचों बीच आपको लगानी है। आई होप गाइस आपको अच्छे से वीडियो समझ आई होगी, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको कौन सा स्टेप अच्छा लगा है। और वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचे। और गाइस आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे सैलून से रिलेटेड, कोई ऐसी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गाइस वो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने विजिटिंग कार्ड दिया हुआ है, उस पर हमारा एड्रेस और नंबर दोनों चीज़ मेंशन है। तो आपको हमारे सैलून से रिलेटेड कैसी भी इंक्वायरी चाहिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइस हमारे सैलून का जो एड्रेस है कार्ड पे मेंशन है, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ, हमारा जो सैलून का एड्रेस है वो रोहिणी सेक्टर 17 मेन मार्केट राकेश मेकओवर के नाम से गाइस ये न्यू दिल्ली में है। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।